हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता नरेश ठाकुर ने कहा कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जनबल के सहारे धनबल को हराया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी कार्यकर्ता व हमीरपुर के कार्यकर्ता उनके साथ खड़े हैं। प्रदेश के अंदर दो दिन से जो घटनाक्रम हुआ और सरकार को ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार को स्थिर करने की कोशिश की गई और उस कोशिश में हमारे जो विधानसभा में जो सदस्य थे, कुछ सदस्य जैसे हमीरपुर से आपके सुजानपुर से राजेंद्र राणा जी और बरसर से इंद्रदत्त लखनपाल जी, जिस तरह से ये लोग सब मिलकर विधायक जो 6 विधायक थे जो मिलकर इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को और मुख्यमंत्री माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को स्थिर करने में लगे हुए थे और भाजपा के साथ मिलकर जिस तरह से ये षड्यंत्र रच रहे थे और भाजपा ने जो धन बल का प्रयोग करके और इन लोगों को जो प्रलोभन देकर जिस तरह से धन का प्रयोग किया गया उससे ये लोग उसमें जो प्रदेश की सरकार को उसको स्थिर करने में लगे थे। आज वो जो उनका षड्यंत्र था उसका भंडाफोड़ हो चुका है और हिमाचल के अंदर जो इन्होंने एक भाजपा ने एक नई ही रीत शुरू की है और इन्होंने पहले भी कई प्रदेश की सरकारों को गिराने प्रदेश में जहां कांग्रेस की सरकार को उसको स्थिर करने की कोशिश की वहां भी इन्होंने धन का प्रयोग किया, बल का प्रयोग किया, परंतु हिमाचल प्रदेश में इस धन बल का प्रयोग जो उन्होंने करके अस्थिर करने की कोशिश वो बुरी तरह से नाकाम हो चुके हैं और आज हिमाचल प्रदेश की जनता को ये पता चल चुका है कि भाजपा जो है वो सिर्फ धन और बल का प्रयोग करके ही और षड्यंत्र रचकर ही अपना सरकार बनाने में सफल होती है, परंतु ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की जो सरकार है वो स्थिर है और जिस तरह से विकट परिस्थितियों के अंदर ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो एक साल का कार्यकाल रहा और जिस आर्थिक संकट से जो प्रदेश जूझ रहा है परंतु उसके बावजूद भी उन्होंने उससे उभारने के लिए और प्रदेश के कर्मचारियों के हितों के लिए, इस जनता के और की हितों के लिए उन्होंने जिस तरह से बजट में प्रावधान किया उससे वो और ज़्यादा मजबूत हुए हैं और हमीरपुर की जनता जो ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के साथ खड़ी है, हमीरपुर की कांग्रेसों के साथ खड़ी है और ऐसे ऐसे जो विधायक जो षड्यंत्र रच रहे हैं और उनका भंडाफोड़ हो चुका है और ऐसे विधायकों को हम लोग जो कांग्रेस है वो बुरी तरह नकार रही है और हमीरपुर की जनता, हमीरपुर जिला कांग्रेस सारी जो है वो माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के साथ खड़ी है।